ऑलराइट सो अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है एंड इट इज फेस रिवील। सो फेस रिवील मैं करूंगा जब मेरे चैनल पर 20। सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है तुम सभी लोगों का मेरे एक और Q&A वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के अतरंगी सतरंगी सवालों का जवाब दूंगा। और पहले ही बता रहा हूँ इस Q&A में मैंने बस वही क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि मैंने Q&A पार्ट 1 में नहीं किया था। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ ये कर लो पहले। सो जैसा कि मैंने कहा इस Q&A में मैंने बस वही क्वेश्चंस पिक किए हैं जो कि मैंने पार्ट 1 में नहीं लिया था, पर फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे देता हूं। लाइक मेरा नाम है गाइस सुब्रतो और मैं 16 साल का हूं और मैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं मेन क्वेश्चंस के आंसर्स देना। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि इस चैनल को ग्रो करने में मुझे कितना टाइम लगा। सो सच बताऊं तो इस चैनल को ग्रो करने में मुझे पक्का 1.5 से 2 साल तो लगा ही है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स मिलियन में हो जाएंगे तब भी क्या मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो देखो यार सिंपल बात है, जब मेरे सब्सक्राइबर्स मिलियन में होंगे तब डेफिनेटली मेरे व्यूज भी लाखों में आएंगे, और जब व्यूज लाखों में आएंगे तो कमेंट्स तो हजारों में आएंगे ही, एंड हजारों कमेंट्स का रिप्लाई देना तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा मुश्किल है। पर जब भी गाइस मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होगा मैं तब कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया करूंगा। ऑलराइट सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू रिकॉर्ड योर वीडियोस। तो अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं सबसे पहले रिकॉर्डर को ऑन करता हूं और रिकॉर्ड करता हूं। व्हाट इज योर फर्स्ट वीडियो हाउ गॉट वायरल। सो मेरा जो पहला वीडियो वायरल हुआ था वो था ये वाला, एंड इस वीडियो से ही मेरा चैनल धीरे धीरे बूस्ट होना स्टार्ट हुआ। और वो वाला वीडियो मेरा कैसे वायरल गया आई डोंट नो। मैं कब लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, तो लाइव स्ट्रीम भी मैं बहुत जल्दी करूंगा, पर मैं सोचा था सबसे पहले मैं एक अच्छा सा माइक परचेस कर लूं, उसके बाद मैं एवरी संडे लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। व्हेन यू डू कोलैबोरेट विद अदर क्रिएटर्स, तो कोलैबोरेशंस भी मैं करने वाला हूं बट कब करूंगा वो तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। और इनका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर फर्स्ट इनकम। तो अपनी फर्स्ट इनकम मैंने अपने एक कम्युनिटी पोस्ट में तो पहले ही बता दिया था बट मैंने उस पे एग्जैक्ट नहीं बताया था, और उस पोस्ट का मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया भाई बहुत सारे गलत गेस कर रहे थे। तो चलो बस तुम लोगों के लिए आज मैं अपनी एग्जैक्ट फर्स्ट पेमेंट बताऊंगा बट ओनली वीडियो के लास्ट में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर वीडियो इनकम। तो पर वीडियो इनकम जानने से पहले पर वीडियो अपलोड करने में मेरा कितना पैसा जाता है वो जान लो पहले। सो अगर वीडियो की लेंथ 15 मिनट से ज्यादा है तो मैक्सिमम मेरे को 40 से 50 रुपीज लगता है एक वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वाईफाई का कनेक्शन नहीं है सो मेरे को डाटा रिचार्ज करवा के वीडियो अपलोड करना पड़ता है। और अगर वीडियो का लेंथ 15 मिनट से कम है तो मेरे को एक वीडियो अपलोड करने में मैक्सिमम 30 रुपीज लगता है। बात रही पर वीडियो इनकम की तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, ज्यादा व्यूज इक्वल टू ज्यादा पैसा, कम व्यूज इक्वल टू कम पैसा। पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर मेरे कोई भी वीडियो पे 4000 प्लस व्यूज आ जाता है तो मेरा $1 बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपके नमक में कोलगेट है। पता नहीं हर्षु भाई आपने गांजा फूंक या फिर क्या करके ये क्वेश्चन किया है, पर हमारे नमक में कोलगेट बिल्कुल भी नहीं है। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुमने खट्टी टॉफी में अचार डाल के खाया है। तो सच बताओ तो मैंने कभी खट्टी टॉफी नहीं खाई है, पर हर्षु भाई आपने कहा तो मैं एक बार जरूर ट्राई करूंगा वो भी अचार के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप गेमिंग पीसी लोगे तो बताना जरूर। आई एम सो सॉरी गाइस मैं ये चीज बता नहीं सकता क्योंकि ये यार बताने की बिल्कुल भी चीज नहीं है, ये दिखाने की चीज है। क्या बोल रहे हो तुम भाई। गाइस जब भी मैं कोई पीसी या फिर लैपटॉप लूंगा तो सबसे पहले मैं तुम ही लोगों को बताऊंगा और उस पर भाई एक प्रॉपर ब्लॉग आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू बंगाली। यस आई एम एकजन प्योर बंगाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कौन सा लेने वाले हो। सो मोबाइल में लेने वाला हूं रियलमी का, पर कौन सा मोबाइल लूंगा वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको YouTube चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहां से आया एंड गेमिंग ही क्यों। तो ये स्टोरी गाइस बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। और इनका लास्ट क्वेश्चन है नेम एंड एज, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज। एज तो मैंने पहले ही बता दिया है पर फिर भी एक बार बता देता हूं, तो मेरी एज 16। You have any YouTube friend? Yes, मेरे बहुत सारे YouTubers friend हैं, like Trick to Hub, Yaro Gaming, Prabhav Gamers, Yaprikshu, Not Arsu, Blaze MG, It's Girgi Boy. So next question है भाई new channel पे starting subs कैसे लाए? तो new channel पर starting subs लाने के लिए मुझे जो लगता है वो है searchable and trending topics पर ही video बनाना। और इसका best example है मेरा ये दोस्त It's Girgi Boy, इसका channel। तो इस बंदे का पहला भी एक channel था जो कि बिल्कुल भी नहीं चला, पूरा dead हो गया। फिर इसने एक new channel open किया और फिर उसने एक video ला जो कि था Minecraft के duplicate game, और ये टॉपिक काफी ज्यादा तब ट्रेंड में चल रहा था, और वो वीडियो डालते ही वीडियो वायरल चला गया एंड उसके 1 से 1.5 महीने में 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो अगर तुम्हारा भी न्यू चैनल है और उस पर स्टार्टिंग है सब्स लाने हैं तो तुम्हें ट्रेंडिंग एंड सर्चेबल टॉपिक्स पर ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैनल पर वीडियो कब डालोगे। ओके तो ये बात गाइस मैं आप लोगों को बहुत दिनों से बोलना चाहता था। तो अपने सेकंड चैनल पर ना वीडियो डालने की वजह थी कंटेंट की कमी, पर अब मेरे पास एक कंटेंट का आइडिया आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, मेरे इस वाले चैनल की वीडियोस को देखना है, और आप लोगों अगर कोई मेरा एडिटिंग का
पार्ट अच्छा लगता है, लाइक कोई ट्रांजेक्शन, कोई इफेक्ट, कोई एनिमेशन। सो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि ये वाला पार्ट मैंने कैसे एडिट किया, और उसके बाद उस एडिट का एक 2 से 3 मिनट का छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो बना के मैं अपने सेकंड चैनल पर डाल दूंगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कितना बड़ा है? नोटी उरा के बहन के दिल, क्या समझ रहे थे? अबे यार गाइस, यार मैं तो समझ रहा था कि ये बंदा पूछ रहा है अपने सब्सक्राइबर्स का बेस कितना बड़ा है। चलो भाई यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियल नेम। तो नेम तो मैंने पहले ही बता दिया है, मेरा नाम है सुब्रत। आपका ट्रिक टू हब से क्या कनेक्शन है? तो ट्रिक टू हब, जिनको हम लोग प्यार से टीटू भाई बोलते हैं, उनका और मेरा कनेक्शन तो कुछ नहीं है, बस टीटू भाई मेरे यूट्यूब के बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाते हो? सो एज ए यूट्यूबर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, वीडियो की रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। सो अप्रोक्सीमेटली एक दिन में मैक्सिमम में 7 से 8 आवर्स तक मोबाइल चलाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है? तो मेरे बड़े भाई का नाम है JEET जीत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज योर इंस्पिरेशन? सो मेरी इंस्पिरेशन है मेरे मॉम एंड डैड। डू योर फैमिली सपोर्ट यू? लिटरली बहुत ही ज्यादा भाई, नॉट इवन जोकिंग, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। लाइक कभी अगर मैं अपने वीडियो पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ और वो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं उनको सिंपली बोल देता हूँ कि प्लीज बात मत करो या फिर कहीं और जगह बात करो, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो लिटरली वो लोग भाई चले जाते हैं। और कभी कभी तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई आके बात करता है, तो मम्मी खुद उनको बोल देती है कि बात मत करो, वो वीडियो बना रहा है, उसको वीडियो बनाने दो। भाई लिटरली बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग फैमिली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम इट टेक्स यू टू एडिट योर वीडियो? तो पहली बात यार, ये क्वेश्चन ही गलत है। तुम एक वीडियो को 2 दिन तक एडिट करो और एक वीडियो को 7 दिन तक एडिट करो, तुम्हें दोनों वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जितना तुम अपने वीडियो को एडिट करने में टाइम लगाओगे, वीडियो उतना ही अच्छा बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अभी माइनक्राफ्ट का प्रीमियम अकाउंट खरीद सकते हो? तो अगर आप अभी की बात कर रहे हो जब मैं इस वीडियो पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो नहीं भाई, मैं माइनक्राफ्ट का प्रीमियम अकाउंट नहीं खरीद सकता। भाई 100 डेज वाला वर्ल्ड कहाँ से डाउनलोड करे? पहली बात तो ये है यार कि कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो या फिर सीखना हो, तो यार किसी को कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यार YouTube है ना अपने पास, YouTube में सर्च करो यार, तुम्हें उसके हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तुम YouTube पे सर्च करो हाउ टू डाउनलोड 100 डेज वर्ल्ड, हाउ टू प्ले 100 डेज वर्ल्ड, तुम्हें हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तुम्हें कमेंट वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपना एज बताओ 16, अपने ओल्ड चैनल के नेम बताओ। सो मेरा जो सेकंड चैनल है गाइस SubXD, वही मेरा सबसे पहला चैनल है, एंड उस चैनल का सबसे पहला नेम था अल्ट्रा गेमर, देन मैंने उसका नेम चेंज किया और रखा गेमिंग आर्मी, एंड देन फिर से एक और बार नेम चेंज किया और रखा JS गेमर, एंड फिर एक और बार उसका मैंने नेम चेंज किया और अब उसका नाम है SubXD। और ये जो मेरा मेन चैनल है, इसका पहला नाम था SB गेमिंग, देन मैंने इसका नेम चेंज किया और रखा शुभ गेमिंग। आप शादी कब करोगे और आपके बच्चे कितने हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइनक्राफ्ट कैसे खेलते हो? हाथों से। व्हेन योर चैनल मोनेटाइज? तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था आज से 11 मंथ पहले। आपने फ्री फायर खेलना क्यों छोड़ दिया? सो फ्री फायर खेलना छोड़ने का मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजन था फ्री फायर का बैन होना, और तब मेरे पास बिल्कुल भी एक अच्छा सा डिवाइस नहीं था, और इसलिए फ्री फायर मैक्स मेरे फोन में बहुत ज्यादा घटिया चलता था। सेकंड रीजन इज, तब मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, सो मेरे को ज्यादा गेम खेलने का टाइम ही नहीं मिलता था। मैं सोचता था यार कि गेम खेलने की जगह मैं वीडियो बना लेता हूँ। एंड थर्ड रीजन इज कि फ्री फायर में सारे ओल्ड थिंग्स धीरे धीरे चले जाना, और इसकी वजह से यार मेरा पूरा गेम खेलने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अपेरेंटली फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो अभी फ्यूचर में मेरा बस प्लान एक ही है, जो कि है फेस रिवील करना। और मैं इतनी जल्दी फेस रिवील करना इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने फेस का वैल्यू बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी मैम ने क्वेश्चन पूछा है पावर की ऐसा यूनिट बताओ। तो पावर की ऐसा यूनिट है वॉट, इतना तो यार सबको पता है। योर फेवरेट स्पोर्ट्स? तो मेरी फेवरेट स्पोर्ट है 1 एंड ओनली क्रिकेट। भाई मेरी भी क्वेश्चन पिक कर लो प्लीज। कर लिया भाई। मोनेटाइज होने के कितने समय बाद इनकम आया? तो मोनेटाइज होने के 10 मंथ बाद मेरा फर्स्ट इनकम आया। आपका सेटअप कितने का है? तो मोबाइल को छोड़ के मेरा सेटअप पूरे 800 रुपीस का है। आर यू रियली बॉय? यस भाई 100%। मुझे एक बात बताओ कमेंट में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़का नहीं हूँ? मुझे भी जानना है। बस एक बार मेरा नेम ले लो। तो विराट भाई, ये लो मैंने आपका नेम ले लिया, कांग्रेचुलेशन ब्रो। व्हाट इज योर एवरेज CTR और इंप्रेशंस ऑन ए सिंगल वीडियो? तो CTR की बात करें तो वो 9 से 10%, एंड इंप्रेशंस की बात करें तो 40 से 50,000। आपने माइनक्राफ्ट खेलना कैसे शुरू किया? सो माइनक्राफ्ट खेलना मैंने माइनक्राफ्ट खेलने से शुरू नहीं किया। मतलब पहले मैंने माइनक्राफ्ट का एक डुप्लीकेट गेम जिसका नाम है मिनी वर्ल्ड, वो खेलना स्टार्ट किया। देन मैंने खेला माइनक्राफ्ट ट्रायल, फिर मुझे पता चला कि माइनक्राफ्ट को हम लोग मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से मैंने माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट किया। ऑल राइट गाइज, तो चलो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया मैंने, मेरा लिटरली मुंह थक गया बोलते बोलते। तो अब चलते हैं अपने 2 मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना फर्स्ट इनकम एंड फेस रिवील। तो सबसे पहले इनकम की बात करते हैं, तो मेरा फर्स्ट इनकम आया था 27 दिसंबर को, एंड वो था पूरे 8,600 रुपीज। तो होगी भाई तुम लोगों की विश पूरी, बहुत बोल रहे थे कि भाई इनकम बता दो, इनकम बता दो, तो मैंने बता दी इनकम। अब तुम भी वीडियो को लाइक करके मेरी विश पूरी कर दो। तो अब बात करते हैं कि मैं फेस रिवील कब करूंगा। सो फेस रिवील गाइज मैं बहुत ही जल्दी करने वाला हूँ। मेरे
मेरे पास यार अगर कोई छोटा सा भी सेटअप आ जाए ना तो मैं फेस रिवील कर दूंगा। मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, मैं फेस रिवील 30 के तक या फिर 30 से पहले ही कर दूंगा। मेरे पास बस एक छोटा सा भी सेटअप आ जाए एंड डन, मैं फेस रिवील कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने फेस का वैल्यू बनाना है। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया मैंने, मुझे नहीं लगता कोई अपने क्यूएन में इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स होते हैं तो मैं एक और क्यूएन जल्द ही बनाऊंगा। एंड ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, 17 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।